गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में मैं और मेरा समुदाय रहता है। चैनपुर से माझा टोली तक की मुख्य मार्ग की स्थिति खराब थी। इस सड़क में चलने और सफ़र करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन दुर्घटना होती जा रही थी। इस खराब मार्ग की स्थिति को लेकर बीते वर्ष 2014 सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था। 4 साल पहले मेरी पत्नी की सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। बहुत हम लोग कहे कि इस रोड में कम से कम रोड अगर अच्छा रहता, उबड़ खाबड़ नहीं रहता, तो आज जो है सो झारखंड की ये स्थिति नहीं रहती। जितनी आज चैनपुर से लेके माझा टोली तक रोड ऐसा है कि कोई भी आदमी बैठेगा तो कमर हाथ पैर सुरक्षित रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समुदाय का सहयोग भरपूर मिला और एवं जिला प्रशासन और पथ निर्माण विभाग के तहत से यह कार्य शुरू हो गया और यह शीघ्र ही अपनी मकसद की ओर बढ़ रहा है। रोड मरम्मत का कार्य हल होकर नए सिरे से बनना शुरू हो गया, जिससे मैं और मेरा समुदाय पथ निर्माण विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप किस विभाग में काम कर रहे हैं? रोड का वर्क करा रहे हैं। अच्छा, यह रोड कब तक काम चलेगा? ये हम लोग का ऑर्डर है 15 जून तक करने के लिए। अच्छा, उससे पहले कोशिश कर रहे हैं जब खत्म करें। ये रोड लगभग 15 साल हो गया, 15 साल से लगभग खराब स्थिति में है। तो सर, ये खराब स्थिति को लेकर के आप लोगों ने कुछ कदम उठाए थे? एक कदम तो लिख के दिया गया था पथ निर्माण विभाग को, गुमला डीसी को भी दिया गया था। काफ़ी जनता ने इसका विरोध जताया कि रोड बनना चाहिए, यहाँ काफ़ी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं जिसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और सर, यह रोड जब बन रहा है तो यह कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा? यहाँ तो लगभग 4 प्रखंड पड़ता है गुमला जिला में, जारी, चैनपुर, रायडी और डुमरी। लगभग 5 लाख से ऊपर ही जनता को इसका जो है सो लाभ मिलेगा। बदलाव होने पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की जनता काफ़ी खुश है और जनता के साथ में हम लोग भी खुश हैं कि चलिए रोड बन जाएगा तो समय कम लगेगा, सुरक्षित पहुंचेंगे और यहाँ की जनता, सारी जनता खुश है। यह सड़क मरम्मत का कार्य दिसंबर माह 2014 से शुरू हो गया और इस वक्त बन करके ख़त्म होने पर है, जिससे जिला गुमला के 4 प्रखंड के लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। मार्ग करीब 5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। मैं प्रमिला एक्का, जिला गुमला, झारखंड, इंडिया, हनहट के लिए।